हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोड़जी, झुंझुनू। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में डाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और डाइजेशन की मैकेनिज्म हमने स्टार्ट करवा दी थी और मैंने बताया था कि डाइजेशन को हमने बांटा दो, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में मैंने बात की थी कि भोजन का काटना है, भोजन को चबाना है, भोजन को पीसना है, भोजन में विभिन्न तरलों को मिलाना है और विभिन्न प्रकार की मूवमेंट्स द्वारा भोजन को आगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करना है। ये सारी जो क्रियाएँ होती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं? मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। और बात करते हैं हम किसकी? केमिकल प्रोसेस की। केमिकल प्रोसेस में मैंने बताया था कि विभिन्न एंजाइम एंड वाइल जूस हमारे भोजन में मिलता है और मिलकर विभिन्न जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, उनसे क्रिया करके उनका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, चलो अब हम बात कर रहे थे केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हमारी, देखो ध्यान रखना कि अपन बात करें किसकी, केमिकल प्रोसेस की, ठीक है ना। अब देखो केमिकल प्रोसेस में बात करें तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से, देखो अपन बात करेंगे किन की, के मैमेलियंस में। क्या? मैमेलियंस में डाइजेशन कहाँ प्रारंभ हो जाता है? वक्कल कैविटी में क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। यानी सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि सब मैमेलियंस हैं उनमें डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो कहाँ स्टार्ट हो चुकी होती है? वक्कल कैविटी में, ठीक है। क्या होता है वक्कल कैविटी में? देखो हमने बात की थी कि वक्कल कैविटी में कौन होते हैं? टीथ, ठीक है। और टीथ द्वारा क्या किया जाता है? फूड को काटना, चबाना या हम कह सकते हैं पीसना। यानी हमारे इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स टीथ होते हैं जिनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कार्य किए जाते हैं। जैसे कैनाइंस हैं भोजन को कुतरना है, इंसाइजर हैं भोजन को काटना है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स भोजन को चबाना और पीसना, ठीक है। यानी भोजन होता है जो क्या होता है साहब, एक बड़े पीस के रूप में होता है और बड़े पीस के रूप में होता है दांतों द्वारा उसको क्या किया जाता है? छोटे। हम बात कर सकते हैं कि मान लो ये बड़ा पीस था भोजन का, अब हमने दांतों द्वारा इसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है? वक्कल कैविटी में हमने बात की थी साहब कितनी, थ्री पेयर्स क्या पाई जाती हैं? सेलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। और सेलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? सेलाइवा, यानी लार स्रावित की जाती है। ध्यान रखना, थ्री पेयर सेलाइवरी ग्लैंड, उनके द्वारा लार स्रावित की जाती है और इस लार को किसके द्वारा? टंग द्वारा किसमें मिलाया जाता है? भोजन में, दिखाई दे रहा है? तो भोजन में मिक्स किया किसको? लार को। देखो ध्यान रखना, सेलाइवा को किस में मिक्स किया? फूड में। और जब सेलाइवा अच्छी तरह से फूड में मिक्स हो जाती है, अपन ने बात की थी साहब जीव टंग द्वारा भोजन में मिक्स की जाती है क्या? सेलाइवा। सेलाइवा किस में मिल गई? भोजन में। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भोजन में सेलाइवा अच्छी तरह मिल चुकी होती है तो भोजन होता है, देखा है कभी इस तरह से एक गोल चिपचिपे
अर्ध ठोस संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, गोल बॉल जैसी संरचना बना लेता है, और इस बॉल जैसी संरचना को हम क्या नाम देते हैं? बॉलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉलस। कभी देखा होगा तुमने कि अपन खारे होते हैं, पूरी तरह से चबा चुके होते हैं, लार मिल गई होती है, तब हमें फील होता है कि उस भोजन में कोई कण, मान लो कोई पत्थर कंकड़ आ गया, या कोई अजीब स्वाद हमें फील हो रहा है, कड़वा लग रहा है, अपन बाहर निकालते हैं। तो देखा एक गोल बॉल सी निकलती है, एकदम चिपचिपी लसलसी रीजन। भाई चिपचिपी लसलसी क्यों होती है? क्योंकि सलाइवा मिला है, और सलाइवा में हम कंपोजिशन पढ़ चुके थे सलाइवा की, और सलाइवा की जो कंपोजिशन होती है साहब, उसमें हमने पढ़ा था क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, ठीक है ना। हालांकि 99% तो क्या होता है? जल होता है, लेकिन उसमें क्या? म्यूकस। म्यूकस की वजह से जो बोलस होता है वो कैसा होता है? एक लस लसी संरचना होता है, ठीक है। अब सुनिए, सलाइवा में क्या होगा? देखो नेक्स्ट बात अपन करते हैं। तो हमारी जो सलाइवा होती है, इस सलाइवा में अपन ने बात की थी भाई पैरोटिड ग्लैंड, याद होगा, पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे श्रवण कोश के नीचे पाई जाती है, और इस पैरोटिड ग्लैंड द्वारा क्या होता है? एक, अच्छा चलो अपन बात कर लेते हैं पहले कि कंप्लीटली सलाइवा, और सलाइवा किसके द्वारा स्रावित की गई? सेलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा। सलाइवा की सिचुएशन क्या होती है कि ये लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे स्रावित की जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 6.8। हम बात करें कि ये क्या होती है साहब? स्लाइटली एल्केलाइन होती है, ओके, स्लाइटली एल्केलाइन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? हल्की क्षारीय, सॉरी अम्लीय होती है, ठीक है ना। अब सुनो, सॉरी स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी हल्की अम्लीय होती है, ठीक है। अब सुनिए, क्योंकि पीएच कितनी है? 6.8। आगे हम बात करते हैं कि सलाइवा में क्या, सलाइवा में हमने बात की थी साहब एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइलिन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? अल्फा एमाइलेज भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन या अल्फा एमाइलेज। देखो एक चीज याद रखना, सॉरी एक बात याद रखनी है कि ये टाइलिन या अल्फा एमाइलेज है, ये कौन सी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होता है? तो बताया, हमने बताया तीन पेयर पाई जाती हैं, लेकिन इन तीन पेयर में क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और उन पैरोटिड ग्लैंड की सीक्रेशन में क्या होता है? टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, ओके। अब देखो हम बात कर रहे हैं साहब यहाँ डाइजेशन की, तो ये अल्फा एमाइलेज है, ये क्या करेगा? हमारे फूड, और फूड में कौन सा पार्ट होता है? स्टार्च, ओके। इस स्टार्च से कौन? टाइलिन क्या करेगा? क्रिया करता है, देखो, ठीक है ना। और टाइलिन स्टार्च से क्रिया करता है, एक चीज याद रखना, ये जो स्टार्च होती है ये कैसी होती है? राइप, मतलब कुक्ड, पकी हुई, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम है ना, ये भोजन में उपस्थित पकी हुई स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है ना, कच्ची स्टार्च को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक। तो देखो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट
डेक्सट्रिन में, ठीक है। जनरल बुक्स के अंदर ध्यान रखना माल्टोज इन अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन ही लिखा हुआ मिलेगा, बट अपन बात करें तो माल्टोज माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन में क्या कर देता है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है ना, या डाइजेस्ट करके ये किस में, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी बात की थी कि भोजन में उपस्थित पकी हुई स्टार्च का ही पाचन कर पाता है, और ये जो पकी हुई स्टार्च है ध्यान रखना साहब, इसका मतलब ये यानी टाइलिन एंजाइम है वो 30% स्टार्च का क्या कर पाता है, डाइजेशन कर पाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यानी टाइलिन के द्वारा कितना, 30% स्टार्च डाइजेस्ट किया जा सकता है, ठीक। दूसरी बात सुनो, अपन बात करते हैं कि स्टार्च में क्या होता है, मैंने अभी बताया ना अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं इसको, रीजन कि स्टार्च में क्या होता है 1,4 अल्फा लिंकेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो जो ये अल्फा एमाइलेज है ये सीधा किस पर अटैक करता है, स्टार्च में उपस्थित 1,4 अल्फा लिंकेजेज होते हैं, इन लिंकेजेज पर क्या करता है, ये अपना रिएक्ट करता है, या अपन कह सकते हैं अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, और 1,4 अल्फा लिंकेजेज को ये क्या करता है, तोड़ता है, और इनके टूटने से स्टार्च है वो किसमें, माल्टोज माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं साहब कि लार में, यानी जब डाइजेशन चल रहा होता है ना, तो कुछ विशेष बातें या विशेष क्रियाएं और होती हैं, जैसे अपन बात करें किसकी, कि सलाइवा, और सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है ना, सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, विशेष लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इन लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि साहब हमारे वक्कल कैविटी, या हम बात कर सकते हैं हमारे फूड, ठीक है, यानी वक्कल कैविटी या फूड में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को क्या करेगा ये, और ध्यान रखना प्रॉपरली हमारी लार में उपस्थित लाइसोजाइम है वो वक्कल कैविटी या फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, ध्यान रखना बैक्टीरिया को हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में भी डिवाइड किया है, तो ये मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ये लाइसोजाइम अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, और इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा साहब, इनकी जो सेल वॉल होती है इस सेल वॉल का अपघटन करके ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल करते हैं, मार देते हैं, कौन, लाइसोजाइम। इसका मतलब वक्कल कैविटी में डाइजेशन के साथ साथ भोजन में उपस्थित कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। देखो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत सी बुक में इसके बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा, एक पॉइंट और लेते हैं हम इस डाइजेशन के अंदर, और वो क्या है, देखो फर्स्ट क्या, हमारे मुख में और जो जीव, हमारी जो टंग होती है, इस टंग की डॉर्सल सरफेस होती है, यहां पर क्या होता है सर, बिल्कुल एक पृष्ठ सतह होती है, तो याद रखना कि हम बात करें कि टंग और टंग की पृष्ठ सतह पर विशेष ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एवनर्स ग्लैंड कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एवनर्स ग्लैंड कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब इन एवनर्स ग्लैंड से क्या होता है साहब, एक विशेष एंजाइम स्रावित होता है, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेलाइवरी लाइपेज, ठीक है ना, ये क्या होता है, विशेष सेलाइवरी लाइपेज, और इसकी देखो मेन प्रोसेस क्या होगी कि ये जो सेलाइवरी लाइजेज है या टंग लाइजेज होता है जो साहब क्या होता है, मेनली लार के नीचे पाई जाने वाली एवनर्स ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये जो लाइपेज होगा, ये लाइपेज हमारी वक्कल कैविटी में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन ये कहाँ, स्टोमक, ठीक है, और स्टोमक में जाके ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है,
ठीक है। तो याद रखना, वक्कल कैविटी में तो ये कोई काम नहीं करेगा, और यही कारण है कि वक्कल कैविटी में केवल 30% पकी हुई स्टार्च का ही पाचन हो पाता है, क्योंकि मुख में भोजन रहता भी बहुत कम समय के लिए है, इसलिए अदर पार्ट है वो पचाने का टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो सेलाइवरी लाइपेज है ये स्टोमक में जब पहुंच जाता है तो स्टोमक में ये क्या करेगा, सक्रिय होता है, और सक्रिय होकर नॉर्मल सी बात है कि साहब ये सेलाइवरी लाइपेज है ये किस पर क्रिया करेगा, देखो ये क्रिया करेगा स्टोमक में, और स्टोमक में जाकर ये किस पर क्रिया करता है, ट्राइग्लिसराइड, किस पर, ट्राई ग्लिसराइड पर, और इस ट्राई ग्लिसराइड पर ये सेलाइवरी लाइपेज क्रिया करता है, और तुम्हें पता है उसको फैटी एसिड या अपन क्या करते हैं विशेष 1,2 एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होती है हमारे क्या, वक्कल कैविटी के अंदर। ध्यान रखना, शॉर्ट में फिर मैं बता देता हूँ सर कि सेलाइवरी ग्लैंड द्वारा सेलाइवा स्रावित होता है, इसकी क्वांटिटी 1.5 लीटर पर डे, पीएच 6.8 स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें टाइलेन एंजाइम होता है, या इसी को अल्फा एमाइलेज कहते हैं, जो कि हमारे केस में स्टार्च के 1,4 अल्फा लिंकेजेस पर जाकर क्रिया करता है, और इस पर क्रिया करके ये क्या है, इसको माल्टोज, माल्टोट्राइज या अल्फा लिमिट डेक्सटेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। सेलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो वक्कल कैविटी में उपस्थित बैक्टीरिया या भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया कौन से ग्राम पॉजिटिव टाइप के, उनको डैमेज करने का काम करता है। तीसरा, हमने बात की थी कि अपने बकल कैविटी में ही टंग की पृष्ठ सतह पर एवनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं, इन एवनर्स से विशेष प्रकार का लाइपेज स्रावित होता है जो वकल कैविटी में निष्क्रिय और स्टोमक में जाके सक्रिय होता है, ठीक है। यहाँ ये स्टोमक में क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड से क्रिया करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे भोजन अब क्या होगा, बकल कैविटी से ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में पहुँचता है, और अगले वीडियो में हम स्टोमक में डाइजेशन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने वीडियो देखते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।